मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने लिसनिंग नहीं इंप्रूव हो रही होंगी, उधर रीजन की हैगा, तो रीजन देखने की जरूरत हैगी है। स्टूडेंट्स की लिसनिंग नहीं इंप्रूव हो रही, स्टूडेंट्स अनवांटड पार्ट्स से ज़्यादा फोकस करते हैं। जे असी स्पीकिंग वेखिए तो लिसनिंग लिए तीन टॉपिक्स जेडे लिसनिंग सपोर्ट करते हैं, रिपीट सेंटेंसिस, रीटन लैक्चर एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स की करते हैं आंसर शॉर्ट क्वेश्चन पर भी टाइम डिवोट करते हैं, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही मिनिमम स्कोरिंग कह सकते हैं या नो स्कोरिंग टॉपिक कह सकते हैं, तो उसके ते बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं हैगी। कि तुहानू जे लिस्ट स्पीकिंग दे विचों टॉपिक्स देखिए उन्हां विचों रिपीट सेंटेंस से सब तो ज़्यादा वर्क करो, सैकेंडली तुसी अपना रिटन लैक्चर से वर्क कर सकते हो, उसके विच फ्लो ते कंटेंट ते फोकस कर सकते हो। तो लिसनिंग दे विच भी 8 पार्ट्स होंगे टोटल, तो उसके विचों ओनली 3 पार्ट्स ही इंपोर्टेंट होंगे जिन्हां ते स्टूडेंट्स वर्क करके अपने लिसनिंग इंप्रूव कर सकते हैं, बाकी जो पार्ट्स होंगे वो बिल्कुल भी इंपोर्टेंट नहीं होंगे। एक होंगे ना एवरेज इंपोर्टेंट, बिल्कुल भी इंपोर्टेंट नहीं होंगे, जिदा आंसर शॉर्ट क्वेश्चन स्पीकिंग दे विच, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, हाईलाइट करैक्ट समरी, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, ये जो पार्ट्स है ये बिल्कुल भी इंपोर्टेंट नहीं। प्लीज़ इन दे उपर अपना टाइम वेस्ट ना करो, तुहाडा टाइम जिहड़ा डिवोट करना चाहिए तुहानू रिपीट सेंटेंसिस ते करना चाहिए है, लिसनिंग दे ब्लैंक्स ते करना चाहिए है, हाईलाइट इन करैक्ट वर्ड्स ते करना चाहिए है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन ते करना चाहिए। तो यह जिहड़े पार्ट्स हैगे बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैगे आ, इन्हां ते प्लीज़ अपना टाइम स्पेंड करो ते तुसी बहुत वधिया लिसनिंग दे विच स्कोर अचीव करोगे। हुण उन्हां दा की हैगा कि इन्हां नूं करना किद्दां आ, स्टूडेंट्स की करते हैं बहुत ज़्यादा कंटेंट पर फोकस करते हैं। जे आप रिपीट सेंटेंसिस दे विच कहिए, रिपीट सेंटेंसिस दे विच कंटेंट इंपोर्टेंट है जे तुसी लिसनिंग दे विचों वधिया स्कोर लैने आ, बट टू मच जे असी कंटेंट दे उपर फोकस करांगे उहदे नाल की होजूगा कि साडी फ्लुएंसी भी खराब होंदी है। तो असी साइमल्टेनियसली लिसनिंग ते स्पीकिंग नूं बैलेंस करके चलना। 5 to 6 टॉपिक्स है जिहड़े इंपोर्टेंट है, प्लीज़ उन्होंने फोकस करो, रिपीट सेंटेंसिस नूं इंप्रूव करो, अपने रिटेल लैक्चर दे विच फ्लुएंसी ते कंटेंट नूं मेनटेन करो, उस तो बाद हाईलाइट इन करैक्ट वर्ड्स पर फोकस करो, लिसनिंग या ब्लैंक्स के उपर बहुत ज़्यादा फोकस करो। लिसनिंग या ब्लैंक्स में स्पैलिंग्स बहुत इंपोर्टेंट है, लिसनिंग के जो भी स्पैलिंग्स है असं एवरीडे अपलोड करते हैं 20 स्पैलिंग, वो प्लीज़ तुम एवरीडे कर लिया करो। लिसनिंग के स्पैलिंग्स ब्लैंक्स में जो तुम स्पैलिंग गलत करते हो शॉर्ट राइटिंग स्कोर घट जाते, स्टूडेंट्स की करते हैं हाँ जी वो भी इंपोर्टेंट है। जो असं कही कि टैंपलेट से बहुत इंपोर्टेंट है, टैंपलेट के मिसटेक नहीं होनी चाहिए, वो भी बहुत इंपोर्टेंट है टैंपलेट भी जे राइटिंग का अं कही, बट जे राइटिंग के टैंपलेट के एक दो वर्ड्स थोड़े इधर उधर होंगे या स्पैलिंग मिसटेक होंगी है तो थोड़े 1 to 2 मार्क्स ही इधर उधर हो, बट जे लिसनिंग या ब्लैंक्स के डिक्टेशन के स्पैलिंग मिसटेक होंगी तो बहुत ज़्यादा स्कोर डाउन चल जाते हैं। तो अपने लिसनिंग के स्पैलिंग्स से एवरीडे वर्क करो, जेडे एक्यूरेट स्पैलिंग जे मतलब कि जेडे फाइनल एग्जाम स्पैलिंग आने है, असं एवरीडे एक शॉर्ट पाने जिद स्पैलिंग सारे होंगे आ, तो स्पैलिंग्स नूं अपना परफेक्टली जिदा असीं कह सकते कि रट्टा लगा के रख लो फाइनल एग्जाम दे विच, जिहड़े तुहाडे लिसनिंग दे ब्लैंक्स दे विच डिक्टेशन दे विच वर्ड्स आउणे आ उही वर्ड्स होणे आ। हुण की हैगा आ कि लिसनिंग दे ब्लैंक्स दा चलो असीं स्पैलिंग्स नूं कर लिया, उहनां नूं कर लिया, उस तो अगे की करना हैगा राइट फ्रॉम डिक्टेशन दे विच तुसीं किद्दां उन्हां नूं करना है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन दे विच तुहाडे कोल ऑप्शन ही बहुत वधिया हैगी, तुसीं एक्सट्रा वर्ड्स लगा सकदे हो, जे तुहानूं 10 वर्ड की डिक्टेशन आई तुसीं 20 तक 25 तक लैके जा सकते हो एक्सट्रा वर्ड्स जिहड़े तुहानूं लग रहा हैगा कि गलत है। फॉर एग्जाम्पल जे उन्हें बोलिया नॉलेज, ओके तुहानूं नहीं क्लीयर कि नॉलेज दे विच डबल्यू पै रही है नहीं पै रही, तो तुसीं दोनों तरीके नाल लिख सकते हो। जे उन्होंने बोलिया टैक्नोलॉजी, सी एच लगाने कि कल्ली सी लगाने, कई स्टूडेंट्स की होंगी है जिन्हें स्पैलिंग की प्रॉब्लम, उन्होंने एवं माइनर जी प्रॉब्लम्स होंगे, तुम दोनों तरह के वर्ड्स लगा सकते हो, एक्सट्रा एग्ज एम आर लगा सकते हो, एक्सट्रा कोई भी वर्ड लगा के डिक्टेशन के वधिया स्कोर कर सकते हो, है ना। तो पी टी का जो एग्जाम है ना बहुत ईजी एग्जाम है, इस तो बैटर कुछ नहीं हो सकता। जे तुम पी टी का एग्जाम नहीं क्लीयर कर सकते कुछ नहीं कर सकते, बट एक चीज़ जरूर हैगी कि पी टी के एग्जाम प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, एक तो राइट गाइडेंस हो, एक प्रैक्टिस हो, तो पी टी का एग्जाम बहुत ईजली अचीव कर सकते हो। जे तुम राइट गाइडेंस लई साडा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो, तुम साढ़े तो दूर बैठे हो लाइक किसी अदर कंट्री के अदर एरिया के, तो साड़ियाँ ऑनलाइन क्लासिस लै सकते हो। तो जे तुम ऑनलाइन क्लासिस भी नहीं लैनी है, जे तुम लग रहा है कि थोड़ी बहुत ही तुम इनफॉर्मेशन चाहिए, तो असं अपनी फ्लुएंसी चैक करवानी, एग्जाम बुक करना है, तो तुम वह भी असी एक डेमो क्लास दें, वो डिस्कस कर सकते हो फ्लुएंसी चैक करवा के, या तुसी अपने कोई भी अपना टेस्ट चैक करा के या टेस्ट एनालाइज करा के एग्जाम बुक कर सकते हो। थैंक यू।